नमस्ते, मेरा नाम अजय है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी की लेखिका हैं त्रिपुरारी शर्मा और चित्रकार हैं अतनु राय। कहानी का नाम है गिलहरी। तब गिलहरी खरगोश की तरह जमीन में गड्ढा बनाकर रहा करती थी। वह इधर उधर उछलती, फुदकती और बड़े बड़े पेड़ों को देखती। उसे रस भरे फल खाना बहुत अच्छा लगता था। पेड़ों से लटकते फल देखकर ही उसके मुंह में पानी भरा था। मगर वह कर क्या सकती थी, सिर्फ इंतजार करती कि कोई फल गिरे और वह लपक कर खा जाए। तोता आता, फल में चोंच मारकर आधा खाता और बाकी नीचे गिरा देता। कौवा भी यही करता। गिलहरी के हिस्से वह आधा खाया हुआ फल ही आता, उसी से वह पेट भर लेती। मगर उसका मन कहता, क्यों न मैं भी पूरा फल खाऊं, जो चाहूं उसे ही चख पाऊं। गिलहरी की नजर सबसे ऊपर वाली टहनी पर लगे हुए फल पर थी। उसे सबसे ज्यादा धूप मिलती थी, वह पका और रस भरा लगता था। गिलहरी ने तोते से कहा, भैया वह फल तोड़कर मुझे दे दो। मगर तोते ने एक न सुनी। तब गिलहरी ने कौवे को भी अपनी इच्छा जताई। कौवा बोला, ऊंचा जाने का जिसमें हो बल, वही पाता ऊंची डाली का फल। गिलहरी मन मार कर रह गई। उसने खरगोश से पूछा, क्यों मैं चाहती ऊंची डाली का फल, मुझ में जब नहीं ऊंचे जाने का बल। खरगोश ने कहा, तोते के पास पंख है, कौवे के पास भी पंख है, उछल कूद, बस यही तुम्हारा रंग ढंग है। गिलहरी को खरगोश की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, मगर जब जब वह सबसे ऊंची डाली का फल देखती, उछल उछल कर बस उसी की ओर लपकती। यूं करते करते वह काफी ऊंचाई तक उछलने लगी और एक दिन पेड़ की सबसे नीची डाली को छू पाई। फिर क्या था, वह उस डाली पर चढ़ आई और इसी तरह डाली डाली ऊपर चढ़ती गई। बिना पंख बिना उड़े वह ऊपर पहुंच गई। कौवा और तोता हैरान रह गए, लेकिन तब तक फल का मौसम जा चुका था। ऊपर वाली टहनी का फल कहीं गिर गया था। गिलहरी ने सोचा, आ गई हूं अब पेड़ के ऊपर, जाऊंगी अब फल चखकर ही। सो गिलहरी वहीं पेड़ पर कूदती फांदती फल आने का इंतजार करती रही। वहीं से अपने दोस्त खरगोश से बतियाती भी रहती। जब फलों का मौसम लौटा और फल पके, गिलहरी ने उन्हें खूब चखा। वह खरगोश को नहीं भूली, उसे भी दिया रंग भरा रस भरा पूरा फल। तब तक गिलहरी को पेड़ पर रहना अच्छा लगने लगा था। वह वहीं रहने लगी, कभी कभी नीचे भी उतरती, खरगोश से मिलती, इधर उधर टहलती, फिर सट से ऊपर चढ़ जाती। बिना पंख ऊपर की डाली पर बैठकर वह नित नया फल चखती। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी? तो अब कहानी पर थोड़ी बातचीत करते हैं। गिलहरी पेड़ पर लगे फलों को खाने के लिए उछलती और फुदकती थी। क्या आपने कभी अपने घर पर ऊंचाई पर रखी किसी चीज को लेने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो किस तरह कोशिश की गई और क्या काम बन पाया? गिलहरी बार बार कोशिश करके काफी ऊंचाई तक उछलने लगी थी। क्या आपको याद है कि कभी आपने किसी काम को शुरुआत में ना करके बार बार कोशिश करने के बाद आसानी से कर लिया हो? अगर गिलहरी की तरह आपको भी पेड़ पर चढ़ने का मौका मिले, तो आप पेड़ पर चढ़कर क्या क्या करोगे? सोचो सोचो।